मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि स्थानांतरण पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया जाए। अभी हाल ही के दिनों में चिकित्सा विभाग ने अपनी स्थानांतरण पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि जो सुदूर दूरस्थ स्थान पर जहां डॉक्टर लगे हैं उन्हें 5-10% हार्ड अलाउंस दिया जाएगा। हम शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग में भी इस तरह की पहल की जाए और जिन शिक्षकों का ट्रांसफर सरकार नहीं कर पा रही है उन शिक्षकों को टीएसपी तथा प्रतिबंधित क्षेत्र के शिक्षकों को हार्ड अलाउंस दिया जाए तथा ग्रामीण भत्ता दिया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा करीब 10 साल से स्थानांतरण नहीं किए जा रहे, विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हो रहे। ऐसे में जिन शिक्षकों के स्थानांतरण हो जाएंगे वो तो शेष का रहेगा, लेकिन जो बाद में बच भी जाएंगे उन शिक्षकों के लिए भी या हार्ड अलाउंस और ग्रामीण भत्ता अगर सरकार जारी कर देती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पहल होगी। और जो सुदूर स्थान है टीएसपी के प्रतिबंधित जिले हैं, ऐसे करीब 19 जिले हैं, वहां टीचर उपलब्ध हो पाएगा और टीचर्स में ये भी रहेगा कि उन्हें इस एवज में कुछ हार्ड अलाउंस या ग्रामीण भत्ता दिया जा रहा है। बजट सत्र आने वाला है, मुख्यमंत्री ने अभी बजट सत्र में सुझाव मांगे, हमारे संगठन की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि जो सुदूर इलाके हैं वहां ग्रामीण भत्ता और हार्ड अलाउंस शिक्षकों के लिए जारी किया जाए और जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोले जाए।